दोस्तों, आप में से जो भी लोग टाइपिंग रिलेटेड वर्क करते हैं उनके शॉप पर अक्सर करके जॉब वर्क के लिए कुछ पेपर या कुछ मैगजीन्स आती होंगी कि हमें भैया ये टाइप कराना है, और अक्सर करके अगर एक दो पेज का आपके पास काम है तो उसमें आपके बेकार के 10-15 मिनट खर्च हो जाते हैं। इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका मैं बताने वाला हूँ जिनसे आप हिंदी और इंग्लिश के जो भी पेजेस हैं A4 साइज के या लीगल साइज के, उनको आप बड़े आसानी से बिना टाइप के हुए वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कुछ थोड़ी बहुत गलतियां अगर हों तो एडिट कर सकते हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं OCR, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या बहुत सारे लोग इसे रीडर भी कहते हैं कि आप कोई भी पेज अगर स्कैन करें अपने फ़ोन से या स्कैनर से तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं MS वर्ड की फाइल में या एडिटेबल टेक्स्ट में। तो यही तरीका हम जानने वाले हैं कैसे आपके काम को ये तरीका और भी आसान बना सकता है। आप 10-15 मिनट का काम केवल कुछ सेकंड्स में कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गैड स्मार्ट क्लास में, और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आ रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जिससे आप किसी भी हिंदी और इंग्लिश इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं एमएस वर्ड की एडिटेबल फाइल में। आप आराम से उसे एडिट कर सकते हैं और उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इस पेपर को स्कैन करने के लिए हमारे पास स्कैनर नहीं है, और जिन लोगों के पास भी स्कैनर नहीं है वो चिंता मत करें, ये बच्चों का खेल है। आप बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से पेपर को स्कैन भी कर पाएंगे और उसमें से टेक्स्ट भी निकाल पाएंगे और उसे एडिट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये पेपर है, और अपने फ़ोन से मैं इसकी एक पिक्चर खींच लूँगा जितना भी एरिया मुझे OCR के थ्रू निकालना है। तो यहाँ पर मैं इसकी एक पिक्चर खींच लेता हूँ, ये देखिए। अब ये जो पिक्चर है ये मुझे कंप्यूटर तक ले जानी है, तो इसका भी बड़ा आसान तरीका है। सिंपल, आप इस पिक्चर को शेयर करा दीजिए जीमेल पर और खुद की ईमेल आईडी को 2 में डाल दीजिए। तो इससे होगा क्या कि ये जो पिक्चर है ये आपके कंप्यूटर तक बड़ी सरलता से पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर मैं अपना जीमेल ओपन कर लेता हूँ, और जो मैंने खुद को मेल किया था वो आप देखिए यहाँ पर आ गया है। अब इस पिक्चर को आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर नीचे लगे हुए गूगल ड्राइव के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसे गूगल ड्राइव में मूव करा देना है। तो गूगल ड्राइव में इसको मूव करा देता हूँ। अब ये जो इमेज है ये आपको गूगल ड्राइव में दिखने लग जाएगी। अब यहाँ पर इस पर राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद गूगल डॉक, और यहाँ पर देखिए तो ये जो आपकी पेपर की कटिंग है ये पूरी तरीके से आपके पास यहाँ पर टाइप होकर आ गई है। अब इसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि यहाँ पर जो मैंने पिक्चर खींचा था वो रफली खींचा है, आपको जो पिक्चर खींचनी है वो सिर्फ उतने ही टेक्स्ट की खींचनी है जितना आपको वहाँ पर टाइप करना है, तो हो सकता है कि जो पिक्चर है वो क्लियर आएगी। तो ये पिक्चर इतनी क्लियर भी नहीं थी जो अभी मैंने खींची है, लेकिन आप जो भी पिक्चर खींचेंगे उसको थोड़ा सा क्लियर खींचिएगा, और जब भी आप उसे गूगल डॉक में ले जाएंगे इस तरह से तो आपके सामने बिल्कुल जो भी पूरा टेक्स्ट होगा वो आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत काम आया होगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए जो OCR टेक्नोलॉजी है आपको कैसी लगी। फ्री है, तो अगर आपको अच्छी लगे तो और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.mybigguide.com को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पर मिलने वाले हैं ढेर सारे इसी तरह के टिप्स और ट्रिक्स। मैं हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।